लोकल वोकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अरीशा सफदर आपको अपडेट देने जा रही हूं आपके शहर और शहर के आसपास की। कानपुर और कानपुर में हो रही घटनाओं पर लगातार हमारी नजर बनी रहती है, तो ये है आज की खबरें। कानपुर में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की विशेष जानकारी को साझा करते हुए जिला जज श्री प्रदीप कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आने वाले 9 मार्च को कानपुर कोर्ट परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अदालत के माध्यम से बैंक लोन, बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, वित्तीय संसाधनों से संबंधित संशोधन, पारिवारिक एवं दीवानगी के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने बताया कि आयोजन के दौरान विभिन्न कंपनियों से संबंधित मामलों के अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित होंगे, जिनके समक्ष प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का खुला मौका दिया जाएगा और अंत में उसका निस्तारण भी बता दिया जाएगा। जैसा अभी मैंने बताया, 9 मार्च 2024 को द्वितीय शनिवार के दिन यही लोक अदालत एक कचहरी परिसर में इसको आयोजित किया गया है। इसमें कोई भी मामले जो पारिवारिक मुकदमे हों या उत्तराधिकार से संबंधित हों, बैंक वसूली से संबंधित मुकदमे हों, मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड हों, वाणिज्य कर से संबंधित हों या पारिवारिक विवाद पति पत्नी के बीच का हो, इस तरह के मुकदमे, ज़्यादातर मोटर वाहन के जो चालान होते हैं वो भी इसमें करते हैं। हमने पूर्व में भी आपको बताया कि इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है vcourt.government.in, जहाँ बिना उपस्थित हुए आप अपना चालान भर देंगे और ई पेमेंट के माध्यम से, और आपका मुकदमा हमेशा के लिए निस्तारित हो जाएगा। इंडियन आइडल 14 के विजेता श्री वैभव गुप्ता का कानपुर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान वैभव को देखते ही उनके फैंस और मित्रों समेत उनके पारिवारिक सदस्य खुशी से झूम उठे और फूल मालाओं की वर्षा करते हुए कानपुर की धरती पर पुनः स्वागत किया। स्वागत के बाद गंगा बैराज से श्री वैभव का काफिला एक रैली के रूप में निकलते हुए कल्याणपुर से होते हुए अपने निज निवास नानकारी पहुंचा, जहां पास पड़ोस के लोगों ने वैभव का मुंह मीठा कराते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं रैली के दौरान कानपुर में आम जनमानस ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया। वहीं अपने स्वागत और अपने शहर कानपुर की जनता का प्रेम पाकर खुश दिख रहे श्री वैभव गुप्ता ने मीडिया से बात भी की। इस दौरान उन्होंने अपनी सफलता के पीछे का राज खोला, अपनी मेहनत का वो संघर्ष भी साझा किया जो उनकी जिंदगी के लिए सबसे यादगार पल बन चुका है। जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगा, आप सबने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं हमेशा आप सबका शुक्रगुजार रहूंगा और ये ट्रॉफी आप सबका हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। कानपुर नगर में टाटमिल से जरीब चौकी जाने वाली सड़क पर हमेशा जाम का सामना करना पड़ता था। क्षेत्रीय पार्षद और क्षेत्रीय लोगों ने जब ट्रैफिक के उच्च अधिकारियों से इस प्रकरण को बताया तो ट्रैफिक की तेज तर्रार महिला डीसीपी आरती सिंह और एडीसीपी शिवा सिंह ने तत्काल प्रभाव से नगर निगम के अधिकारियों और संबंधित लोगों को इस समस्या से अवगत कराया, साथ ही तत्काल प्रभाव से यू टर्न बनवाने का सराहनीय कार्य किया। बीते सोमवार को एक्शन में आए नगर आयुक्त श्री शिव शरणप्पा जीएन की शक्ति का असर दूसरे दिन भी बरकरार देखा गया। शक्ति का असर कुछ इस तरह का था कि नगर निगम में तैनात हर कर्मचारी अपने कार्य में व्यस्त देखा जा रहा था। सभी को डर था कि अगली गाज कहीं उस पर ही ना गिर जाए। आपको बताते चलें कि नगर आयुक्त श्री शिव शरणप्पा जीएन द्वारा नगर निगम मुख्यालय के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान कई अधिकारी एवं कर्मचारी गण अनुपस्थित पाए गए थे और कुछ तो अपनी सीट पर उपस्थित ही नहीं थे, जिसको लेकर अनुपस्थित पाए गए अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए एक दिन का वेतन रोके जाने का आदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त 19 अधिकारी कर्मचारियों पर देर से आने के संबंध में कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के भी आदेश जारी किए गए। कानपुर नगर के प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों ने वेतन भुगतान को लेकर अपनी मांगों को फिर से रखने का कार्य किया है। इस मांग को लेकर दर्जनों शिक्षकों ने जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय पर धरना दिया। इस संबंध में उनका कहना था कि सरकार से अपील है कि उनकी इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें ताकि उनका भी गृहस्थ जीवन सुखमय हो सके। हमारे समस्त शिक्षक जो हैं
समाज कल्याण द्वारा अनुदानित संस्थाओं के शिक्षक हैं। कानपुर नगर में 17 ऐसे विद्यालय हैं जिनके लगभग 55 टीचर यहाँ उपस्थित हैं। 8 विद्यालय सिलाई कढ़ाई के हैं, उनके लगभग 35 टीचर हैं। हम सभी लोगों का लगातार कई वर्षों से, लगभग 30 सालों से सभी का वेतन भुगतान विधिवत होता रहा, किंतु इस बार 4 माह से हम लोगों का वेतन अकारण रोक दिया गया। आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्री श्रवण कुमार सिंह द्वारा अपने कार्यालय के अधिकारी गण और कर्मचारी गणों को आपातकाल परिस्थिति से निपटने के लिए QRT टीम के रूप में प्रतिक्रिया पर ब्रीफ किया गया। इस कार्यशाला में उनके द्वारा मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। आयोजन के दौरान QRT टीम में निरीक्षक, उप निरीक्षक को मिलाकर कुल 25 पुलिस कर्मचारी एक साथ उपस्थित थे। कार्यशाला के अंत में पुलिस उपायुक्त पूर्वी द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि वो आंसू गैस, रबर बुलेट और एंटी राइट उपकरण अपने साथ रखेंगे। साथ ही सभी को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। तो ये थी आज की खबरें जो बनी रही शहर की सुर्खियों में। ऐसी ही जानकारी और अपने शहर की पसंदीदा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकल वोकल कानपुर से। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लें और प्ले स्टोर पर जाके हमारे लोकल वोकल ऐप को इंस्टॉल करें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।